शासकीय प्राथमिक शाला किरहा टोला का भवन हुआ जर्जर, खतरे में नौनिहालों की जान। जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हुए बच्चे। डिंडोरी जिले में शासकीय स्कूल भवनों की हालत जर्जर हो चुकी है, जहां नौनिहाल अपनी जान की बाजी लगाकर पढ़ने को मजबूर हैं। ताजा मामला डिंडोरी से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित शासकीय प्राथमिक शाला किरहा टोला का है, जहाँ नौनिहाल जर्जर भवन के नीचे अपने जीवन को दाव में लगाकर पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल में पदस्थ शिक्षिका ने बताया कि उन्होंने कई बार विभागीय अधिकारियों को जर्जर हो चले इस भवन की जानकारी दी है, बावजूद इसके जिम्मेदार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। बारिश के दिनों में तो यह भवन जगह जगह से टपकने लगता है, तो वहीं भवन का प्लास्टर अचानक गिर पड़ता है। लिहाजा स्कूल में दर्ज सारे बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाई करानी पड़ती है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी फर्क पड़ रहा है। स्कूल की हालत को देखते हुए बच्चों के परिजन अपने बच्चों का नाम स्कूल से काटकर दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने को मजबूर हैं, बावजूद इसके जिम्मेदार इस भवन की सुध लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में इन बच्चों का भविष्य और जीवन दोनों ही अंधकार की ओर अग्रसर है। स्कूल में पदस्थ शिक्षिका ने जल्द से जल्द स्कूल भवन के मरम्मत का कार्य कराए जाने की मांग की है, ताकि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य और जीवन सुरक्षित हो सके। मैं भागवती सर, प्राथमिक शाला के इतनी स्थिति मतलब जर्जर है कि पूरा सीलिंग भी टपक है, मतलब बारिश हो रही तो पूरा टपकता है पानी, और सीलिंग भी नीचे छत गिर गया है दोनों स्कूल का। त्रिस्तर भवन है और ये प्राथमिक शाला है। बैठने बच्चे के बैठने लगे, आज पेरेंट्स आए हुए थे कि बोले मैडम हम ऐसी स्थिति में नहीं बैठा पाएंगे, आप कहीं भी व्यवस्था करिए या कुछ भी करिए, 3-4 बच्चों को तो एडमिशन सर्टिफिकेट में दिला दिए। कितने बच्चे दर्ज हैं आपके यहाँ? अभी यहाँ से 3 बच्चे चले गए सर, अभी दर्ज कितने जाने वाले हैं? दर्ज कितने हैं अभी? अभी दर्ज सब 36 दर्ज है। 36 दर्ज है जी। क्यों चले गए बच्चे स्कूल छोड़ के? कि मतलब स्कूल का भवन ऐसी स्थिति में है करके सर, हम नहीं भेजेंगे बच्चों को यहाँ ऐसी स्थिति, मैडम जी आप दूसरा व्यवस्था करिए, ऐसा बोल रहे हैं। आपको भी लगता होगा डर? जी सर, हमको तो बहुत डर लगता है सर, मेरे बच्चों से मतलब दूसरे बच्चे ये है, हमको बिठाने का व्यवस्था कैसे क्या करें इनके लिए? उच्च अधिकारियों को जानकारी दी? जी सर, हम पहले हमने हर साल देते हैं सर। क्या कहना है अधिकारियों का? अधिकारी आते हैं, जो भी आते हैं हम उन्हीं को पहले स्कूल के बारे में बताते हैं। क्या कहना है उनको सर? क्या प्रस्ताव बना के भेजते गए हैं, हाँ देख लेंगे, इसके बाद फिर वो दोबारा ध्यान ही नहीं दिए सर,